भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले 2024 के लिए नहीं है हमारी यात्रा, नफरत और बंटवारे के खिलाफ है ये यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल बोले कर्नाटक में हम जीतेंगे, जनता भ्रष्टाचार महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित। राहुल ने एक बार फिर बीजेपी आरएसएस को लिया आड़े हाथ, राहुल बोले वो देश को तोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का 31वां दिन हुआ शुरू, सुबह 6:40 पर राहुल के नेतृत्व में शुरू हुई यात्रा, जयराम रमेश ने ट्वीट कर दी थी जानकारी। यूपी कांग्रेस को मिला प्रदेश अध्यक्ष, नए अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने ग्रहण किया पदभार, मार्च में अजय कुमार लल्लू ने दिया था इस्तीफा। लैंडफॉर जॉब स्कैम मामले में बढ़ी राजद की मुश्किलें, सीबीआई ने 24 ठिकानों पर की छापेमारी, लालू यादव राबड़ी देवी समेत 15 पर हो चुकी है एफआईआर। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक, राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी पहुंचे अस्पताल, मेदांता में चल रहा है इलाज। बीजेपी ने उपचुनाव में उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान, हरियाणा की आदमपुर सीट से कुलदीप विश्नोई के बेटे भव्य विश्नोई को दिया टिकट, कांग्रेस छोड़ने का दिया ऐलान। शिवसेना पर अधिकार की जंग जारी, आज चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखेगा उद्धव गुट। गुजरात में वंदे भारत एक्सप्रेस फिर जानवर से टकराई, हादसों पर आया रेल मंत्री का बयान, पटरियों पर मवेशियों के साथ टकराव अपरिहार्य। नहीं थमा रूस यूक्रेन विवाद, रूस के कर्ज वृक्ष पर धमाका, यूक्रेन प्रेसिडेंट के एडवाइजर माइखाइलो पोडोल्याकी ने ट्वीट कर कहा ये शुरुआत, रूस से अपनी हर चीज लेंगे वापस। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर पर हुआ फिर हमला, कट्टरपंथियों ने काली मंदिर में मूर्ति को तोड़ा, आधा किलोमीटर दूर मिले टुकड़े। G20 के मंच पर एक साथ होंगे पुतिन ज़ेलेंस्की, इंडोनेशिया के बाली में 15-16 नवंबर को है समिट, मोदी बाइडेन भी हो सकते हैं शामिल। पाकिस्तान में इमरान खान पर लटके गिरफ्तारी की तलवार, विदेशी फंडिंग मामले में कार्रवाई के संकेत। म्यांमार में फंसे भारतीयों ने बयां किया दर्द, बोले दिन का टारगेट पूरा नहीं होने पर देते थे इलेक्ट्रिक शॉक। दिवाली से पहले महंगी हुई सीएनजी, दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में 3 रुपए बढ़ी कीमत, नए रेट आज सुबह 6 बजे से हुए लागू। भारत इसी साल लॉन्च करेगा ई रुपया, डिजिटल करेंसी पर कॉन्सेप्ट पेपर जारी, कागजी मुद्रा का इलेक्ट्रॉनिक रूप होगा ई रूपी। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए बढ़ी टेंशन, अब दीपक चाहर भी हुए चोटिल। लखनऊ में हुआ अली ऋचा का ग्रैंड रिसेप्शन, ऋचा की एंट्री पर एक्साइटेड दिखे अली फजल, फ्लाइंग किस देते आए नजर। चेन्नई में फिल्म जवान की शूटिंग हुई पूरी, अब डंकी की शूटिंग पर जुटेंगे शाहरुख खान, एक्टर सतीश साह संग लंबे समय बाद कर रहे हैं काम।